हेलो बच्चों, हम कंटिन्यू करेंगे आज कहानी क्या बनेगी मुनिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कहानी शुरू की थी, हमने ये पार्ट क्या बनेगी मुनिया, जिसमें हमने देखा था कि एक छोटी सी बच्ची जो मुनिया होती है उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि जीवन में वो क्या क्या बनेगी। जैसे उसके मन में ख्याल आया कि वो किसान बनेगी, फिर उसने सोचा कि वो अच्छा खाना बनाना सीखेगी और अपना नाम रोशन करेगी, फिर उसने सोचा कि वो डॉक्टर बनेगी, है ना, फिर उसने सोचा कि वो इंजीनियर बनेगी। लेकिन जब वो उसके विषय में सोचती है कि उसे इन सब ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, बहुत से कारणों की वजह से वो उसको फिर छोड़ देती है, अपनी उस ख्वाहिश को भी छोड़ देती है। आखिर में मुनिया का चेहरा उतर जाता है और वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं क्या करूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपनी भैया जैसी बन सकती हूँ। घर का कोई भी काम हो, सभी भैया को ही तो बुलाते हैं। बाजार जाना है तो भैया, ऊपर छत पर चढ़ना हो तो भैया, नए कपड़े बनने हो तो भैया, और वे तो सबसे ज्यादा काम के हैं। मैं भैया ही बनूंगी, यह सोचकर मुनिया मुस्कुराई। तो अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। नहीं नहीं भैया नहीं, घर में जब देखो भैया को डांट भी तो पड़ती रहती है ना। पड़ोस के चाचा तो हर दूसरे दिन भैया की कोई ना कोई शिकायत लेकर आते हैं। ना ना ना, मैं इतनी डांट नहीं खा सकती। ये कौन सोच रहा है? ये मुनिया सोच रही है। तभी बापू बोले, वह देखो मुनिया, तुम्हारा रिक्शा आ गया। मुनिया कहाँ जा रही थी? मुनिया स्कूल जा रही थी। तब मुनिया बापू के साथ चबूतरे से नीचे उतरी, तभी उसने देखा कि उसका प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। वह मैं मिमिया रहा है। मुनिया से उसका रोना देखा नहीं गया। बापू मुनिया को रिक्शे की ओर खींचते हैं और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। ये क्या कर रही हो? बापू इतनी जोर से बोले कि माँ भैया दादी सभी घर से बाहर निकल गए। क्या होता है, जब मुनिया स्कूल जा रही होती है तो बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था, इसलिए मुनिया उस तरफ भागती है, रिक्शे में नहीं बैठती है। लेकिन यह क्या कि मुनिया ने अपना बस्ता अलग पटका और गड्ढे में कूद पड़ी जहां बकरी का बच्चा गया था। और फिर अगले ही पल वह बकरी के बच्चे को गोद में लिए बाहर भी आ गई। उसके कपड़े जूते सभी कीचड़ से लथपथ हो गए थे। रिक्शे वाला और दूसरे बच्चे यह नजारा देख रहे थे। बकरी का बच्चा मुनिया को प्यार से चाटने लगा था। बापू गुस्साए, यानी उसके पिताजी ने उस पर गुस्सा किया, ये क्या किया बिटिया, आज तुम्हारा स्कूल जाने का पहला दिन है, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर तो नहीं जा पाओगी। लेकिन बापू, ये बकरी का बच्चा रो रहा था ना, मुनिया ने भोलेपन से जवाब दिया। रिक्शे में बैठे सभी बच्चे ताली बजाने लगे। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में दादी की आवाज आई, शाबाश मुनिया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे ही काम करना। कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। दादी पास आई और कीचड़ से सनी मुनिया को अपने से लिपटा लिया। फिर क्या हुआ? फिर मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश है। वह बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी, सहला भी रही थी और साथ में वो सोच रही थी कि क्या ऐसे करने से दुनिया में नाम हो सकता है। तो बच्चों, आपका क्या सोचना है? क्या ऐसे करने से नाम हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल बच्चों, ऐसे करने से नाम हो सकता है, क्योंकि मुनिया ने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया, परोपकार का काम किया। परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना। उस छोटे से बच्चे, बकरी के बच्चे पर उसने बहुत बड़ा उपकार किया, उसे गड्ढे से बाहर निकाला, है ना। तो जब भी कोई मुसीबत में हो, आप अवश्य उसकी सहायता करें। दूसरों की मदद करने से अपने को भी संतुष्टि होती है और दुनिया में नाम भी रोशन होता है। तो यही थी कहानी आपकी, क्या बनेगी दुनिया, क्या सॉरी क्या बनेगी मुनिया। तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनकर ही आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे आप सच्चे मन से कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए, उससे भी आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं और दूसरों को खुशी देकर अपने आप को भी बहुत खुशी मिलती है। पाठ यहीं समाप्त हुआ।
इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।